नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग, डिप्रेशन क्या होता है, कैसे कैसे हो जाता है, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कैसे कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट या एक नॉर्मल इंसान इससे बाहर निकले। देखिए, मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई मोटिवेशनल गुरु हूँ और ना ही मैं कोई योगा गुरु हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ। जिंदगी के जो एक्सपीरियंस है उससे मैं कुछ चीजें बस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आजकल आपने देखा होगा कई सारे लोग फेसबुक में जो है स्टेटस लिख देते हैं कि आई एम फीलिंग अलोन, आई एम फीलिंग सैड, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, मेरा बॉयफ्रेंड भाग गया, उसने ये कर लिया, मेरे फ्रेंड ने गाड़ी खरीद ली, मेरा फ्रेंड IAS हो गया, मेरा फ्रेंड DSP हो गया। ये बहुत सारी चीजें हैं दुनिया की। देखिए, इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी ज्यादा जो है इच्छाएं पूरी होती जाएंगी इंसान की, उतनी ज्यादा इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ बिल्कुल साफ। अब जैसे चैनल अगर आप टोटल देखें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो हमारे ग्रुप है टोटल मिला के, इसमें टोटल मिला के 24-25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है, टेलीग्राम फेसबुक सब जगह मिला के। लेकिन फिर भी इच्छाएं हैं क्योंकि इंसान है हम लोग, ठीक है, तो अब इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। अब 24-25 से और लग रहा है कि 24-25 करोड़ हो जाए, फिर अगर वहां तक आ गए तब तक जिंदा रहे फिर लगेगा कि और कर लें। तो भैया, इच्छाओं का कोई जिंदगी में अंत ही नहीं है। सिंपल बात बस यही है, समस्या की जड़ बस यही है, ठीक है, कि आप जो है चाहे दुनिया में जितना पैसा दे दिया जाए, आपको IAS बना दिया जाए, PM बना दिया जाए, पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया जाए, तब भी अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है आपका, मतलब आप जो है शांति से नहीं खा पा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। जितनी ज्यादा जो है आपके ऊपर पास पावर आती है, जितना ज्यादा पैसा आता है, जितनी ज्यादा जो है उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाती है, उतना ही ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है दुनिया में कि कोई नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास का या फिर कोई गरीब आदमी बहुत ही खुश हो, गांव में रहता हो, प्रकृति में रहता हो, बढ़िया एकदम धूप के आनंद ले रहा हो, गांव में पेड़ों से जो है डायरेक्टली सब्जी जो है बना के खा रहा हो, फल तोड़ के खा रहा हो, बेर तोड़ के खा रहा हो, वो खुश हो। लेकिन जो एक ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, पूरा जो है उनके पास पावर है, पैसा है, फेम है, तब भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं डिप्रेशन है, कहीं कोई अपने को गोली मार रहा है, कोई जो है रस्सी फंदे पे लटक जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। स्टूडेंट लाइफ में बहुत समस्याएं होती हैं। आपने एक एग्जाम की तैयारी की, नहीं हुआ, दूसरे की नहीं हुआ, तीसरे की नहीं हुआ, चौथे की नहीं हुआ, पांचवे की नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, फिर एक टाइम ऐसा लगने लगता है भैया कि ऐसा है कि मैं बेकार हूं, मैं लुल्लू, इसलिए मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो मैं लुल्लू ये वाली फीलिंग हटा दो, बस बाकी समझ लो बाकी सब लुल रहे हैं, वो इस काबिल ही नहीं कि मैं उन तक जा पाऊं। सिंपल बात बस यही है, समझ रहे हैं बात। आप जो है अपने आप को पहली बात तो प्रेफरेंस देना चालू करिए। दुनिया में आप आए हैं, एक जिंदगी भगवान ने दी है, उसको ऐसे ना खत्म करो, जी के जाओ, लड़ के जाओ, एकदम जो है जितनी आपके अंदर क्षमता है, जितना आपके अंदर मेहनत करने की ताकत है, उतना मेहनत करो, अपना कर्म पूरा करो, अपना काम डेडिकेशन से करो। बाकी दुनिया के रूल्स कि भैया ये सुबह 4 बजे उठो, ये दवाई खाओ, ये व्यायाम करो, ये करो, इधर उधर की बातें फालतू की बातें हैं। सब सबकी बात सुनो, करो अपने मन की, बस हमेशा खुश रहोगे। ऐसा नहीं कि मैं कभी डिप्रेस नहीं होता हूँ, मैं बहुत बार डिप्रेस होता हूँ। मेरे चैनल में कई बार स्ट्राइक लगाने की कोशिश की गई, आप जानते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ क्या क्या चीजें करने की कोशिश करी गई है, तब भी आज हम बिल्कुल आपके साथ डटे हुए खड़े हैं, लगातार आपको सर्व कर रहे हैं, पापा वीडियोस दे रहे हैं। इतना दुनिया ने जो है जमाने ने लगाने कोशिश करी, लेकिन घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया। बस ये जो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया ना, यही फीलिंग चाहिए, समझ रहे हो बात। अब अगर आप तैयारी कर रहे हो गया तो बढ़िया है। अगर देखिए, मान लीजिए आप IAS बन गए, IPS बन गए, DSP बन गए, तो भी किसी ना किसी के अंडर में तो काम ही करोगे ना। कोई ना कोई मान लीजिए जो है मंत्री अगर आपसे कम पढ़ा लिखा या आपसे कम समझदार आके आपको गाली सुना के चला जाएगा। और आप कल्चर अगर देखिए, यही कल्चर होता है जो IAS PCS जो लोग भी होते हैं। देखिए, मैं किसी पे वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे पर केस मत कर देना जाके, ठीक है, नॉर्मल सच्चाई बता रहा हूँ। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं मतलब हर एक शेर का स्वभाव से रहे दुनिया में, समझ ना पाता। तो आप हमेशा टॉप पे नहीं पहुंच सकते हो, आप बस उसकी तरफ मूव कर सकते हो। तो ऐसा ना सोचो कि IAS नहीं बने, IPS नहीं बने, जिंदगी खत्म हो गई। अरे IAS IPS नहीं बने तो जो है कुछ और चीज कर लो। देखिए, कई सारे अगर मान लीजिए आप IAS बन गए, उसमें भी फिर ये है कि भैया अपना स्टेट चाहिए। कई सारे लोग IAS बन के भी UP के हैं, वो जिंदगी भर उनको सर्व करना पड़ता है केरल में, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे जो है आप हिंदी के सारे चीजें आपने जिंदगी जी है, फिर वहां पे जाके इल्ला पिल्ला और ये सब चीजें नहीं समझ में आती है। प्लीज साउथ इंडिया वाले बुरा मत मानना, मैं भाषा नहीं समझ पाता हूँ इसलिए मैंने कहा, ठीक है, हर चीज में भैया सतर्क रहना पड़ता है, पता नहीं कौन आके स्ट्राइक लगा दे। लेकिन ठीक है, फिर भी
आप जो है अपने अगर खुद को चालो तो भैया डिप्रेस नहीं रह सकते हो। सिंपल बात यही है, सब कुछ आपकी पूरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खुद ही हो। अपने आप से शीशे में खड़े होकर बात कर लिया करो, अपने आप को टाइम दे लिया करो, बहुत हो चुका दुनिया के लिए जीना, कुछ अब खुद के लिए भी जी लो। और कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है, सब बढ़िया है। आप जो है जिंदगी में अगर सफलता पाना चाहते हो, कोई ऐसी चीज नहीं कि आप भैया अगर ये फॉलो करोगे तभी मिलेगा। हर आदमी जब सफल हो जाता है ना, अपनी पूरी बात नहीं बताता है, ठीक है, सब आपको वही चीज बताते हैं चिकनी चुपड़ी, मैं तो 2 घंटे पढ़ता था और मैं IAS बन गया, मैं पहले दिन से प्रैक्टिस करता था, मैंने लास्ट में एकदम किया प्रैक्टिस और मैं यहाँ जाके सबसे ज्यादा नंबर ले आया। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया की, सारे सत्य जो है जिंदगी के सबके अलग अलग होते हैं, सिंपल बात ये है, सबका सत्य वो खुद जानता है। एक चीज और है, डिप्रेशन के बारे में ज्ञान देना, भाषण देना सब लोग कर सकते हैं, मैं भी यही कर रहा हूं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है जानता वही है, लेकिन सॉल्यूशन भी वही निकाल सकता है। कुछ मेरी मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ भैया, अगर मानना हो तो मान लो, जिंदगी में हार्ड पावर के लिए आप बहुत जो है मेहनत करते हो, खूब पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, फेम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए इनको, लेकिन ये नहीं चाहिए कि अपनी रिलेशनशिप अच्छी रहे, अपने मम्मी पापा की इज्जत करना वो नहीं चाहिए, अपने भाई बहन से प्यार से बात करना वो नहीं चाहिए, अपने दोस्तों कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जो 4-5 लोग जो आपके साथ बात सुने आपकी, ठीक है, ऐसे लोगों ना बनाओ, 5,000 फ्रेंड हैं इनके फेसबुक में, 5,00,000 फॉलोअर है, बात करने को 1 घंटा नहीं है कोई भी, ये समस्या है। ये फीलिंग सैड, फीलिंग अलोन, एक जो है लड़की चली गई बस पूरे दिन मार खपे पड़े हैं, वो उनके साथ भाग गई, उनको उनकी गर्लफ्रेंड अच्छी है, सबकी दूसरे की थाली में लड्डू ही हमेशा दिखता है, समझ रहे हो बात आप? तो आप जो है चाहे जो भी चीज दुनिया की दे दी जाए, ये इंसानी प्रवृत्ति है, भगवान ने बनाया ही हम लोग को ऐसा है, ये आपको चाहे कुछ भी दे दिया जाए, ट्रंप भी अगर बन जाए कोई तो ट्रंप के भी कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होंगी, वो भी डिप्रेशन में कभी ना कभी जरूर आते होंगे। बस ये अगर जिस दिन आपने सोच लिया कि भैया जितना है उतने में सुकून करना है, मेहनत अपनी पूरी करनी है, पूरी ईमानदारी से करनी है और बिल्कुल भी जो है उसमें कोई भी ऐसा नहीं कोताही नहीं बरतनी है, अपना काम पूरी तरह करो, बिल्कुल बिछा दो, बिल्कुल जब जो चीज करो बिल्कुल डेडिकेशन होके करो। और जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखो कि भैया अगर आपने किसी चीज के लिए अपना टाइम दिया है, अपनी वैल्यू करना सीखो, अगर आपने अपना टाइम दिया है तो आपको उससे जो है चीजें निचोड़ना आना चाहिए। जैसे मैंने 2014 के मिड में तैयारी करना चालू की थी, 3 साल में ऐसा मैंने घंटा कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा, एक RAS का एग्जाम था उसमें फाइनली सिलेक्ट हुआ था, लेकिन वो नॉर्मल सी पोस्ट थी, सबसे लास्ट में मैं पीछे से मैं फर्स्ट आया था, समझ लो आप, बस समझ रहे हो, तो पीछे से मेरी 950 पोस्ट में 850-900 के आसपास रैंक थी, मैंने उसको देखा भी नहीं, तो उसमें कुछ घंटा उखाड़ा नहीं कुछ। एक बार उत्तराखंड का और निकला था, फिर मैंने देखा ऐसा है कि मैं जॉब कर रहा था इंजीनियरिंग में, फिर मैंने यूट्यूब में वीडियो बनाना चालू किया, वो चल गया। अब मेरी जिंदगी का कोई एम ही नहीं था एक्चुअली शुरू से अगर देखा जाए, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं छोटे से सोचता था कि मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, ऐसा नहीं था, मैं बस ऐसे ही जो है मेरे फादर की डेथ हुई उसके बाद किसी तरह मैंने पढ़ा लिखा, फिर इंजीनियरिंग करी, किसी तरह सब कुछ सारी चीजें कर सकते हो यार, आप चाहे गरीब हो चाहे जैसे भी हो, लोग जो है पंचर बना बना के लोग बन जाते हैं, और जो कई लोग ऐसे हैं महलों में आके उनको टीचर पढ़ाते तब भी नहीं बन पाते हैं, जहां चाह वहां रहा। और एक बात और है, ऐसा नहीं कि दुनिया में हर चीज पॉसिबल ही है, रियलिज्म की तरफ से देखो भैया, जो है रियलिटी में रहना सीखो, ये दुनिया है, ये जिंदगी है, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है और दुनिया भी किसी के लिए बदलती नहीं है, साफ बात, समझ रहे हो बात आप? और इसके लिए भैया ऐसा है, हार्ड पावर की तरफ नहीं, सॉफ्ट पावर की तरफ भी थोड़ा ध्यान दो, रिलेशनशिप पे ध्यान दो, किसी को माफ करना भी सीखो। हमारे इतने सारे जो है हेटर्स हैं डेली थाली पीट पीट के पूरे दिन सुबह शाम व्हाट्सएप फेसबुक और इधर उधर हर जगह जब पीले पड़े हैं बिल्कुल, कि ज्ञान कैसी तेजी, ये कर देंगे वो कर देंगे, घंटा क्यों काट पाते, माफ कर देता हूं मैं उनको, इग्नोर करो, माफ करो। आपके जो हेटर्स हैं, आपका बगल वाली आंटी का लड़का जो है बन गया क्लर्क, अब वो आके 10 बार आपको कुकू कुकू कर रही है आपके कान में कि है मेरा लड़का तो ये बन गया, मेरा लड़का तो ये बन गया, अब आपको जो है आपका नहीं, आप जबकि इंटरव्यू दिए हो PCS का, समझ रहे हो बात आप, लेकिन वो जो है उस टाइम वो मार कुकू करेंगी, तो कुकू जो करें वो इधर से निकाल दो, कुकू कुकू भूपू, समझ रहे हो बात आप? इस तरह से जिंदगी जियो भैया। कुछ और चीजें हैं भैया कि नींद बढ़िया लो जब भी सो, कोई ऐसा परफेक्ट टाइम नहीं होता यार, जब आपको नींद आए तब सो, सिंपल बात है, रात में सो, दिन में आए दिन में सो, अगर लगता है कि भैया रात में जब सब सो जाते हैं शांति से पढ़ना है तो आराम से पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है ब्रह्म मुहूर्त, ये मुहूर्त, वो मुहूर्त, बहुत सारी चीजें बातें हैं
लेकिन अगर आप जिंदगी में जो है जो चीज आपको मतलब देखिए आपकी एक्चुअल कंडीशन आप ही समझ सकते हो, सिंपल बात जिंदगी का रूल यही है, तो जो आपके लिए बेस्ट हो वो करो बस। सब लोगों की बात सुन लो, सब की बात सुन लो, बड़े बड़े ज्ञानी जो है पढ़े हुए हैं आप उनकी सारी चीजें सुन लो, लेकिन जो आप पे फिट बैठती है वो करो। ये नहीं कि एक टॉपर जो है वो बन गया दो घंटे में उसने बताया, अब जबकि उसने क्या पता पिछले चार साल से पढ़ाई कर रहा हो समझ रहे हो, लेकिन अब वो वाह वाही मारने के लिए पढ़भत्ती मारने के लिए हम तो भैया सिर्फ दो घंटे पढ़ते थे हैं। तो ये वाली चीजें आपको नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि आपका आप नॉर्मल आदमी हो, आप नॉर्मल हो तो आप अगर दो घंटे करोगे तो क्या पता प्री भी ना निकले, समझ रहे हो बात। तो ये अपनी एक्चुअल कंडीशन खुद देखनी है, नींद लेना है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करो 15-20 मिनट आधा घंटा, कुछ मैंने डांस वांस बताए थे चुड़िया डांस ये सब वो एक्चुअली एक्सरसाइज ही है, फनी नाम देने के लिए मैंने किया था, थोड़ा बहुत कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, घर का काम कर लिया करो, झाड़ू पोछा कर लिया करो, इसमें भी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, कुछ थोड़ा बहुत ब्रिस्क वॉकिंग कर लिया करो, तेज चल, समझ रहे हो, ये इतना भी कर लो, जीना चढ़ना उतरना कर लिया करो। अरे जैसे भी हो जॉब में हो, मान लो आप लिफ्ट का यूज करना छोड़ दो, जीने चढ़ के उतर के जाओ, अरे हर चीजों के लिए सॉल्यूशन होता है। और देखिए आप वैसे मत बोलो कि हर जो है सॉल्यूशन का प्रॉब्लम मत निकालो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। अच्छा बताइए कौन सा ऐसा लीडर है जो हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ढूंढ लेता है। चलिए खैर फिर कुछ बातें यही है कि भैया अपना जिंदगी का बी प्लान जरूर रखो, ऐसा नहीं होता है कि एक ही प्लान रखो, मान लो वो प्लान नहीं काम हो, अब मान लो आपने जो है पूरा सब बढ़िया चल रहा है, IAS का इंटरव्यू है, आपके कोई फादर या मदर ऐसा कुछ हो गया इंसिडेंट जो आप नहीं अवॉइड कर सकते हो, तो कैसे करोगे यार, मतलब या तो इतने आप स्ट्रांग हो विल पावर के, और इतने स्ट्रांग हो तो फिर कोई बात ही नहीं, ये सब ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं फिर आपको, समझ रहे हो। लेकिन कई बार लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं आउट ऑफ कंट्रोल जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, उनको जैसे जा रही है जिंदगी जाने दो यार, कई बार जो है शांत हो जाओ सब बढ़िया हो जाता है धीरे धीरे, अपना कर्म करते जाओ, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो उसको कोशिश करो सुलझाने की, अगर सुलझ सकती है तो जरूर सुलझाओ, और नहीं तो ठीक है घंटा फर्क नहीं पड़ता करके निकल लो आगे, सिंपल। एक बी प्लान जरूर होना चाहिए जिंदगी का, ये एक बहुत बड़ा सत्य है। अगर मैंने ये बी प्लान की तरफ काम ना किया होता, मैंने यूट्यूब में कुछ वीडियो ना डाले होते और मेरे कुछ चले ना होते, तो आज मैं क्या कर रहा होता मैं यही सोच रहा हूँ। अच्छी खासी मैं जॉब कर रहा था इंजीनियरिंग की, 14-15 लाख रुपए कमाता था, दो मेरे अटेम्प्ट खत्म हो गए, 3 बार मैंने दिया, 2 बार दिया, पहली बार में तो तुरंत दे दिया था तो समझ ही नहीं आया, दूसरी बार फिर UPSC मेंस तक पहुंचा, PCS वाले एग्जाम 2 क्लियर किए हैं, इंटरव्यू ये किया लेकिन फिर नहीं हो पाया भैया, अब जो है बढ़िया नहीं मिला, मैंने कहा ठीक है चलो यूट्यूब को देखेंगे। आज देखिए यूट्यूब में कम से कम इतनी चीज़ तो है, मैं बहुत पावरफुल नहीं हूँ लेकिन जो लोग ISBC की तैयारी करते हैं PCS की, एटलीस्ट UPSC की, कम से कम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जरूर जानते होंगे। तो ये एक जिंदगी में सेटिस्फैक्शन लेवल आना चाहिए यार, फिर भी अनसेटिस्फैक्शन तो है ही, और ज़्यादा ये वाली चीज़ें तो है, इस ये तो जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगी, वो आगे जो वो जो मुझे और ज़्यादा चाहिए तो मैं और काम करता हूँ, और काम करता हूँ और ज़्यादा मिलता है, फिर और करता हूँ और तो करता है, बीच में फिर जो है कुकू कर देता है आके कोई, फिर उसको थोड़ा बहुत पेल के फिर से ठीक करता हूँ, फिर जो है लग जाता हूँ, इस तरह से जिंदगी चलती जाती। थोड़ा संतोष करना सीखना चाहिए, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, सोशल मीडिया पे सोशल ना रहो, वैसे ऑफलाइन सोशल रहो, अपने दोस्त बनाओ यार ऐसे जिनसे बात कर सको, कभी रोना हो तो रो लो यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, बॉडी है थोड़ा बहुत वो निकल गया तो थोड़ा मतलब भरा ना रहो, कुकर जो है भरते रहो फट जाता है वो, उसको कहीं गा दो, मतलब अपने कुछ ऐसे लोग को बता दो, क्या पता शायद वो लोग ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दे, समझ रहे हो आप। थोड़ा बहुत दोस्त है यार मजाक कर लेंगे तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत अगर आप हंसी खेल लोगे तो सही हो जाता है यार, माइंड ठीक हो जाता है, उसमें भी ना बात बने तो यार मूवी है इतनी बढ़िया मूवी है, मोटिवेशनल मूवी, चलो 4-5 मूवी के नाम बताइए सब लोग, कुछ बढ़िया ऐसी मूवी देखो जिससे एकदम आग लग जाए, करके रहूंगा ऐसी वाली आग लग जाए, कुछ सॉन्ग वॉन्ग देख लो बढ़िया जो अच्छे गाने लगे। अब सॉन्ग में भी किसी को ये है कि कोई भजन अच्छा लगता है तो भजन सुनो यार, किसी को जो है अताउल्लाह खान के गाने अच्छे लगते हैं तो वो सुनो, राहत फतेह अली खान के गाने जो सुनने वो सुनो। आजकल इतना सारा फंडामेंटलिज्म है ना कि अगर ये लोग जो है कुकू कुकू करते रहते हैं हर जगह कि नहीं नहीं ये ना सुनो, ये दूसरे उसका है, ये दूसरे धर्म का है, ये सब दुनिया है यार, जो बोल रहा है बोलने दो, आपको बढ़िया लग रहा है अगर जो है चीज़ें लग रही बढ़िया तो अपना मूवी देखो गाने सुनो जो जैसा है सब करो यार। इंडिया में वैसे भी यार डेमोक्रेसी है, थोड़ा बहुत इसका फायदा उठाओ, सरकार को लोग देखो मोदी जी को डेली गाली देते हैं पूरे दिन खाने से लेकर उठते टाइम, अब जो चाहे उनका फेलियर रहो चाहे जैसा भी रहो आज वो उस पोस्ट पे हैं जिसके लिए लोग तरसते हैं, सिंपल बात यह है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव किया है,
ठीक है, ऐसे ही जो आपके जिंदगी के आदर्श हो, कई लोग होंगे, किसी के स्वामी विवेकानंद होते हैं, किसी के अब्दुल कलाम सर होते हैं, ऐसे इन लोगों की कुछ इंस्पिरेशनल जो है कहानियां पढ़ सकते हो, उसमें भी ना बात बने तो कुछ यार जो है समझ लो, फिर समझ लो ना, कुछ इंजॉय करो यार, इंजॉय। जो देखिए, एक मैं आपको बता दूं, मैं एक इंजीनियर हूँ, एक इंजीनियर बनने में जो है किसी एक नॉर्मल इंसान को 4 साल लगते हैं, लेकिन जब वो एक इंजीनियर बन जाता है तो जिंदगी भर वो इंजीनियर ही बना रही जाता है। और फिर इसमें सही गलत, ये ट्रूथ हो सही गलत, ये सब चीजें रिलेटिव हैं। जिंदगी का सत्य वही है जो आपके सामने, बस अपना अपना सत्य सब लोग जानते हैं। और एक और चीज है, सोशल मीडिया पे ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे, मदर्स डे पे विश करेंगे, फादर्स डे पे विश करेंगे, ब्रदर्स डे पे विश करेंगे, घंटा अपनी माँ को नहीं देखेंगे जाके, कहो उनकी माँ दूसरे के यहाँ पड़ी हो, कभी माँ के पैर नहीं छूएंगे, पूछा नहीं होगा कि ये मम्मी ठीक हो, पापा ठीक हो, भैया ठीक हो, बहनी ठीक हो, ये नहीं पूछेगा कोई, केयर नहीं करेंगे। सोशल मीडिया देख लो एकदम जो है लगता है साला पूरा साधु जितना बात है सब इन्हीं के अंदर घुस गया है, यही भी बता देंगे बस दुनिया को। फिर कुछ ऐसे भी आ जाते हैं कि इस कमेंट को जो लाइक करेगा उसका डिप्रेशन शांत हो जाएगा। अरे हद हो गई यार, केयर जो है अगर आपको पानी है तो केयर करना भी सीखो यार। अब बस बहुत हो गया यार, इतना ही मेरे अंदर भरा था, वो हमने निकाल दिया। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ, मेरी बात माननी हो तो मानना, और मानना भी हो तो अपने रिस्क पे मानना, क्योंकि ये मेरी लाइफ की एक्सपेरिमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप पे भी फिट हो जाए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।